कविता मैम। हैप्पी बर्थडे कविता जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात, क्या बात, डबल खुशी आ साथ आया घर में, डबल खुशी। मैं जी की तरफ से भले कांटे फैलाएंगे। हां जी, यस स्कूल जी में। हां पर मैंने श्योर वेरी स्मॉल बाइट। यम्मी, मैं खा लेता। यम्मी, यम, थैंक यू फॉर दिस। सर आप जमुना किनारे मेरो गांव सांवरी ऐ जइयो, सांवरी ऐ जइयो, सांवरी ऐ जइयो। जमुना किनारे तोरा गांव, जमुना किनारे तोरा गांव। राधा गोरी ऐ जइयो, राधा गोरी ऐ जइयो, राधा गोरी ऐ जइयो, राधे। केक अच्छा नहीं लगा तो वापस करते हैं, बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक हम उन गानों पे ही काम करते हैं जहाँ पे हम दोनों काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हैं उसको लेके कि इस पे काम करना। आई फील वही सबसे बड़ा पार्ट रहता है, बाकी सब बहुत छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं कि ये इसको ऐसे गाओ वैसे गाओ जो भी है, वरना एक गाने पे काम करना इस पोएट्री पे इस मेलेडी पे, वही जब एक तरीके से आई फील लाइक दैट इज़ ओनली 60-70% ऑफ अ सॉन्ग, बाकी सब ये मुझ पर छोड़ देते हैं कि लाइक तुम अपने हिसाब से डिज़ाइन करो इसे। फिर जैसे और ये जो कंप्लीट हो जाता है पूरा सॉन्ग के, तो बीच में नहीं सुनाऊंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर सुनाऊंगा, फिर आप अपना फीडबैक देना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है या कुछ चेंजेस चाहिए, तो उस तरीके से करते हैं। बट आई ट्रस्ट हिम कि मैं जैसा जो भी काम मतलब रिकॉर्ड करके दे देती हूँ, फिर उसके ऊपर ये इसको अपने तरीके से डेकोरेशन करते हैं, सजाते हैं। सो कुछ अलग रहता है कविता जी घर में गाना बनना और बाहर गाना बनना? हाँ, घर में तो ये नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को गले में खराश लग रही है, मेरा मूड टू ठीक नहीं है, मैं नहीं गाऊंगी, और कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप बाहर कहीं जाते हो स्टूडियो में या और कंपोजर्स के लिए, तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल, और आपको उस टाइम पे और उस कमिटमेंट पे आपको करना पड़ता है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा ढल गई हूँ उस रंग में भी अभी। लेकिन हाँ, ये जो कम्फर्ट जोन तो रहता ही है घर पर करने में, और कुछ अच्छा नहीं होता या ये ज़्यादा बोलता है थोड़ा और बेटर करो तो चिल्ला भी नहीं करूँगी ऐसा क्या है, तो वो सब भी चलता रहता है। लेकिन हम दोनों की कोशिश यही रहती है कि जो भी प्रोडक्ट बाहर आए वो 100% से भी ज़्यादा अच्छा बेहतर हम जितना कर सकें, कि और हम लोग खुद ही एक वो बनाते जा रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो बेस्ट होता है, फिर लगता है कि नहीं इससे भी बेटर कुछ करना है, इससे भी बेटर अब जो आए वो उससे भी बेहतर हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है अब जैसे जैसे काम बेहतर करते जाते हो, कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि अरे अब अगला क्या होगा, देखते हैं उतना ज़बरदस्त है कि नहीं है। तो खैर बनाते समय नहीं सोचते, लेकिन जब रिलीज़ हो रही होती चीज़ें तो रहता है कि कहीं से भी कोई भी पॉइंट पे ज़रा सी भी मिस्टेक या कमी ना रह जाए, तो वो प्रयास करते हैं बस। लखविंदर जी थैंक यू आज की अपॉर्चुनिटी के लिए, क्या कहेंगे आप आज इस कविता जी प्रतिभा की धनी है, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अरे तो मेरा सौभाग्य पारुल जी, आपने कहा मुझे भी अभी ऐसे दोपहर को ही था, और सबसे बड़ी चीज़ है जन्मदिन पे कृष्ण जी साथ आ गए, साथ में बैठे हैं, तो बाकी तो इतनी प्रतिभागी धनी है, उनके कर्म इतने अच्छे हैं भाई, उन्हें पहुँचा। मैं कृष्ण से यही प्रार्थना करूँगा कि कविता जी को बुलंदियों पर पहुँचा दिया जाए। थैंक यू।